प्रिय छात्रों, एमएस स्टडी पॉइंट में आप लोगों की स्वागत है। आइए आज हम लोग वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से आज क्वेश्चन हल करेंगे। पूरा आसान तरीके से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आज सीखेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि देखेंगे। विलोपन विधि क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक ना, कह रहा है कि विलोपन विधि से हल करें। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ की जो मान है वो सेम है कि नहीं। यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, सेम नहीं है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तब जाके सेम होगा। ठीक ना, यहाँ अगर सेम होगा तब इस पाई पार के यहीं बना लेंगे। अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, जब यहाँ सेम नहीं रहेगा तब क्या करिएगा, यहाँ 2 है तो 2 से गुणा करिएगा, यहाँ 4 है तो 4 से गुणा करिएगा। ठीक ना, यानी यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 है तो 4 से गुणा करेंगे। गुणा करिए, 2 के पढ़ा 3 हाली पढ़िए, यानी 2 तियाई 6x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 दूना 8y = 10 दूना के 20। ये समीकरण 3 कर देंगे। देखिए, फिर देखिए, 3 दूना के 6x प्लस है तो प्लस, 4 दूना के 8y, 10 दूना के 20 कर देंगे। फिर 4 दूना के 8x माइनस है तो माइनस, 2 चौका 8y बराबर, फिर 2 चौका 8, ये समीकरण 4 कर देंगे। ठीक ना, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक ना, ये कट जाएगा। ठीक ना, 20 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 20 8 कितना होता है 28, ये 8 6 कितना होगा 14x। ठीक ना, यानी 20 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 8 6 जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा। तो लिखेंगे x = 28/14, 14 × 28, यानी x = 2 कर देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है 3x + 4y = 10 कर देंगे। 3 है तो 3 कर देंगे, x के मान यहाँ 2 हैं तो 2 लिखेंगे, 4y = 10 कर देंगे। ठीक ना, 3 दूना के 6 प्लस ये 4y = 10 कर देंगे, 4y = 10, 10 में से ये 6 घटा लेंगे, लिखेंगे 4y = 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो y = 4/4 कर देंगे, काटेंगे यानी 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखेंगे अतः x = 2 और y = 1, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक ना, कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यह क्वेश्चन है। तो यह समीकरण 1 मानेंगे, इस समीकरण 2 मानेंगे, उसके बाद से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
वन से, समीकरण वन है या ना है, लिखेंगे थ्री एक्स प्लस चार वाई बराबर दस कर देंगे। यहाँ थ्री एक्स हैं तो थ्री एक्स लिखेंगे, यहाँ दस हैं तो दस लिखेंगे, ये उतार देंगे बराबर के चिन्ह के, ये उतार देंगे, इसको प्लस है ना तो उधर पलटेंगे तो माइनस चार वाई हो जाएगा। फिर लिखेंगे थ्री एक्स बराबर दस माइनस चार वाई, ठीक ना, यहाँ दस माइनस चार वाई बाटा में यहाँ तीन है ना तो यहाँ तीन लिख देंगे, यानी एक से लिखेंगे बराबर देगा दस माइनस चार वाई, यहाँ तीन है तो यहाँ बाटा में लिया के तीन रख देंगे, ये समीकरण तीन कर देंगे। लिखेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, समीकरण दो कौन है, टू एक्स माइनस टू वाई बराबर टू, यहाँ देखिए समीकरण दो हैं तो यहाँ दो हैं तो यही उतारेंगे, यहाँ दो हैं तो दो कर देंगे, एक्स के मान जो है वो यहाँ उतारेंगे, यानी 10 माइनस चार वाई बाटा में तीन कर देंगे, माइनस है तो माइनस टू वाई बराबर टू कर देंगे, ठीक ना, 10 दूना के 20 माइनस चार दूना के 8 वाई, माइनस है तो माइनस तीन दूना के 6 वाई, फिर तीन दूना के 6 कर देंगे, ठीक। या लिखेंगे 8 6 कितना होता है, माइनस 14 वाई, 6 में से 20 घटा लेंगे, माइनस 14 वाई बराबर माइनस 14, तो वाई बराबर माइनस 14 बटा माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी वाई बराबर वन कर देंगे। फिर लिखेंगे समीकरण तीन में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण तीन कौन है, यहाँ है, लिखेंगे एक्स बराबर दस माइनस चार वाई बटा में तीन लिख देंगे, 10 माइनस चार वाई के मान कितना है, एक है बाटा में तीन है, 10 माइनस चार बाटा में तीन कर देंगे, 10 में से चार घटे कितना होगा, 6 हो गया या तीन हो गया। लिखेंगे फिर एक्स बराबर ये भाग देंगे तो तीन दूना के 6 हो जाए, यानी एक्स बराबर दो हो जाएगा, अतः एक्स बराबर दो वाई बराबर वन, यही आंसर हो जाएगा।